दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि सांप के केचुली उतारने के पीछे क्या रहस्य है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सांपों की बात करें तो ये सदियों से हमारी जिज्ञासा का विषय रहे हैं। हिंदू धर्म में सांप को एक दैवीय प्राणी माना गया है। इसे कोई आम जीव नहीं बल्कि धार्मिक तौर से जोड़कर देखा जाता है। सदियों से सांप कई कारणों से इंसानों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सांप का केचुली उतारना भी इन कारणों में से एक माना जाता है। आप में से बहुत से लोगों ने सांप का केचुली देखा होगा। दोस्तों प्रत्येक रीढ़धारी प्राणियों में त्वचा की ऊपरी परत समय समय पर मृत हो जाती है तथा इनकी वृद्धि और विकास के साथ साथ इस मरे हुए त्वचा के स्थान नई त्वचा ले लेती है। इसी प्रकार एक निश्चित समय अंतराल के बाद सांप भी अपनी बाहरी त्वचा की पूरी परत उतार देता है। इसे ही केचुली उतारना कहा जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि केचुली उतारकर सांप की उम्र बढ़ जाती है और अमृता प्राप्त कर जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। दोस्तों सांप की त्वचा स्वाभाविक रूप से सूखी और जलरोधी आवरण वाली होती है और उसकी प्रजाति के अनुसार चिकनी या खुरदुरी हो सकती है। दोस्तों अपनी त्वचा में किसी प्रकार की खराबी या नुकसान एक सांप को जल्दी केचुली उतारने के लिए लाचार करता है। केचुली उतारने से एक तो सांप के शरीर की सफाई हो जाती है और दूसरी ओर त्वचा में फैल रहे संक्रमण से भी उन्हें मुक्ति मिलती है। और क्या आप जानते हैं केचुली उतारने से करीब एक सप्ताह पहले से सांप बहुत ही सुस्त हो जाते हैं और किसी एकांत स्थान पर चले जाते हैं। इस समय लिम्फेटिक नामक द्रव्य के कारण सांप की आंखें दुधिया सफेद होकर अपारदर्शक हो जाती हैं। इस अवस्था में ये भोजन नहीं कर पाते हैं। केचुली उतारने से 24 घंटे पहले सांप की आंखों पर जमा लिम्फेटिक द्रव्य बाहर निकलता है और इनकी आंखें साफ होने से ये ठीक से देख पाते हैं। केचुली उतारने के बाद प्राप्त नई त्वचा चिकनी और चमकदार होती है, इसीलिए इस समय सांप बहुत ही चुस्त और आकर्षक दिखाई देता है। दोस्तों सांप का केचुली उतारने का तरीका बहुत ही कष्टदायी होता है। सबसे पहले सांप अपने जबड़ों पर से केचुली उतारता है क्योंकि यहाँ केचुली सबसे अधिक ढीली होती है। शुरुआत में सांप अपने जबड़ों को किसी खुरदुरी सतह पर रगड़ता है ताकि इसमें चीरा आ जाए। अलग हुए भाग को सांप पेड़ के ठूंठ कांटों पत्थरों के बीच की खाली जगह में फंसा देता है और अपने बदन को सिकोड़कर धीरे धीरे आगे की तरफ खिसकता रहता है। अपनी पुरानी त्वचा को बदलते समय सांप बहुत ही बेचैन और परेशानी का अनुभव करता है। सांप द्वारा छोड़ी गई केचुली की सहायता से संबंधित सांप की पहचान की जा सकती है। ये सांप की हूबहू प्रति तो नहीं होती लेकिन सांप की त्वचा पर पड़े शल्कों की आकृति से इन्हें शत प्रतिशत पहचाना जा सकता है। दोस्तों केचुली पर सांप का रंग नहीं आ पाता है क्योंकि रंगों का निर्माण करने वाली पिगमेंट कोशिका सांप के साथ ही चली जाती है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि कोई सांप अपने जीवन काल में कितनी बार केचुली उतारता है? ये सवाल कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि सांप की उम्र, सेहत, प्रकृति का वास, तापमान और आर्द्रता। सामान्यतः धामन सांप एक साल में 3 से 4 बार केचुली उतारता है, वहीं अजगर और माटी के सांप साल में एक ही बार केचुली उतारा करते हैं। तो दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।